हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे चिली पनीर, जो कि एक चाइनीज़ डिश है, पर आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, लोगों को बहुत पसंद आती है। तो इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम पनीर, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 2 बड़े शिमला मिर्च, जिसे मैंने इस तरीके से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 2 बड़े प्याज, इसे भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 4 टेबल स्पून अरारोट या फिर कॉर्नफ्लावर, 1 टी स्पून वाइट विनेगर, 2 टेबल स्पून केचप, 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून देगी मिर्च। अब हम पनीर के पीसेस लेंगे और इसके अंदर अरारोट डालेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बचा लूँगी, सारा नहीं डाल रही हूँ, हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में डाल लेंगे। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, आधा डाल दूंगी। हाफ टी स्पून देगी मिर्च ऐड करूंगी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम अभी बाद में भी डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये नमक बचा लिया है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को हमें कोट करना है इससे, अरारोट से कोट करने पे पनीर हमारे बिल्कुल ही क्रिस्पी बनते हैं। और इसे हम फ्राई कर लेंगे कोट करने के बाद। मुझे कम लग रहा है अरारोट, तो मैं ये सारा ऐड कर देती हूँ और मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से कोट कर लूँगी। मैंने गैस पे ही कढ़ाई रखी है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं बचा लूँगी, सारा ऐड नहीं कर रहे हैं, हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में डाल लेंगे। इसे गर्म होने देते हैं और ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें पनीर के पीसेस फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसे पलट देते हैं, देखते हैं। ये देखिए, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इसे पलट देते हैं सारे पनीर के पीसेस को और इसे चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे पनीर के पीसेस देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम निकाल लेते हैं इन्हें प्लेट में, और फिलहाल के लिए मैंने गैस धीमी कर दी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं गैस को हाई पे कर दूंगी फिर से, और इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, 2 से 3 मिनट तक हम इसे बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं, हमें सिर्फ इसे फ्राई करना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई है, हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम अरारोट लेंगे जो हमारा बचा हुआ था बाउल में, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। अब हम सेम वही कढ़ाई लेंगे जिसमें ऑयल बचा हुआ था, गैस ऑन कर देंगे और इसमें मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है बचा हुआ, इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस, केचप, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे पका लेंगे थोड़ा सा। नमक डाल देंगे, नमक हमने पहले भी ऐड किया था इसलिए थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और सोया सॉस में भी नमक होता है इसलिए बहुत कम डालेंगे। देगी मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए बहुत कम डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम अरारोट का घोल ऐड कर देंगे। इसे पका लेंगे। ये देखिए हमारे जो सॉस है वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। इसके अंदर हम सब्जियां डाल देंगे, पनीर ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि सॉस हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये हमारा चिली पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा चिली पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही बढ़िया बना है। कलर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और